हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जी टेक और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने किसी भी YouTube की वीडियो पे कस्टम थंबनेल को लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, जब भी आप कोई YouTube पे वीडियो देखते होंगे तो आप जरूर देखते होंगे कि उसके अगर कोई आइकन लगा होता है उसके बारे में, उसमें उस वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी होती है, टाइटल दिया होता है, उसी को दोस्तों थंबनेल कहते हैं। तो वही मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से लगाते हैं। और दोस्तों, आपको पहले थंबनेल बनाना पड़ता है किसी भी वीडियो पे लगाने के लिए। और अगर आपको जो भी एक बार तेरा ध्यान रखें, जो भी आप थंबनेल बनाए वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में उससे कम या ज़्यादा ना हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी YT स्टूडियो नाम की, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप आराम से कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड। और एक और प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने क्रोम पे जाते हैं, अपना चैनल सर्च करते हैं और डेस्कटॉप साइट पे जाते हैं, फिर थंबनेल लगाते हैं। तो वो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, और उसमें वीडियो अपलोड होने के बाद आपका थंबनेल लगता है, तो वो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप YouTube स्टूडियो का इस्तेमाल करें कस्टम थंबनेल्स को लगाने के लिए, और अपलोडिंग प्रोसेस के दौरान ही इससे आपका थंबनेल लग जाता है। ओके दोस्तों, तो थंबनेल लगाने के पहले आपको इसको क्लिक करना और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और आपका चैनल होगा, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, व्यूज चेंज और सब्सक्राइबर चेंज, लास्ट 28 days ये सब दिखाएगा। और दोस्तों, कस्टम थंबनेल लगाने के लिए आपकी जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो यहाँ वीडियोस में आ जाएगी, और आपको सिंपली इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है जिसको आपको लगाना है, और इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ऊपर कोने में आपको दोस्तों 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, इसमें से आप ये पेंसिल वाले ऑप्शन में उनके एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। एडिट थंबनेल दोस्तों ऊपर ही लिखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ चेंज में जाकर आप कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं जो भी आपने बनाया है। ओके दोस्तों, तो कोई ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं है, बहुत ही आसान काम है। और यहाँ पे आप अपनी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर आपको प्लेलिस्ट में डालना है वो, और टैग्स वगैरह सब कुछ आप यहीं से जोड़ सकते हैं अपनी वीडियो में। क्रोम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है YT स्टूडियो, और इसके अलावा भी सब इसमें काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि ये आपके कुछ रिसेंट कमेंट्स बता दो जो आपकी वीडियो पर आए हुए होते हैं, और यहाँ व्यू मोड में जाके आप ओवरव्यू, ऑडियंस, ट्रैफिक, डिस्कवरी वगैरह जो भी आपके चैनल पे हो रही है या 25 से आपकी व्यूअर है वो सब आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो में आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।